तो ये है उनका घर। इन बुलाए घुसे हैं भाई शादी में कर्ण गाँव। इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। यार इस समय ना बारिश बंद हो गई है, अभी शाम का समय हो चुका है। फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि शाम की बज चुकी हैं 3:30 और थोड़ी देर में मतलब 4 बजने ही वाली हैं। तो आज सीधे शाम को ही ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रतोड़ी ब्लॉग्स, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से। तो मेरे गांव का नाम है मांद्रा बासर, जो कि टिहरी जिले में पड़ता है। और फिलहाल तो यार आज ना थोड़ा सा सीन खराब हो चुका है। क्या हुआ है कि कल की जो वीडियो थी, तो कल हम कार्ड देने के लिए गए थे लस्याल गांव की तरफ, तो कल की वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। और आज सुबह भी मैंने वीडियोस बनाई थी तो वो भी डिलीट हो गई हैं। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे ख्याल से जो SD कार्ड है मेरे फ़ोन का, तो उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो गई है। फिलहाल अभी यहाँ गदेरे की तरफ जा रहे हैं, और अभी गदेरे से जाएंगे हम, ये रास्ता जाता है कर्ण गाँव की ओर, तो कर्ण गाँव की तरफ ही जा रहे हैं अभी। जो पंकज भाई है ना, वो आगे चले गए हैं। पानी वगैरह कुछ ऐसे ज़्यादा दिख नहीं रहा है ऊपर की तरफ, साउंड बहुत आ रहा है यार, पता नहीं पानी ना यहाँ देखिए, यहाँ कहीं भी पानी नहीं है, यहाँ पर देखिए कहीं पानी नज़र नहीं आएगा, लेकिन नीचे ना बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो ये पानी पूरा नीचे नीचे से निकल जाता है, तो ये देखिए यहाँ काफ़ी पानी आ रहा है बल्कि नीचे की तरफ, तो ऐसा कुछ सीन हो जाता है कभी कभी। तो इतना पानी है वैसे आज गदेरे में, लेकिन ऊपर की तरफ कहीं भी ना नज़र नहीं आ रहा था पानी बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पूरा ऐसा लग रहा था कि सूखा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। ना कर्ण गाँव की तरफ जाने का बहुत पहले से प्लान था, लेकिन फिर पंकज भाई लोगों ने कहा कि एक दिन कार्ड देने जाएंगे, और वैसे भी आज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, शाम का समय हो चुका है और शाम को ही ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है। तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी मुझसे, तो वो भाई जी विदेश में रहते हैं, तो कह रहे थे कि हमारे घर का वीडियो भी बनाना, और उनका घर पता करेंगे, पंकज भाई को पता होगा उनका घर तो बता देंगे। बाकी आज का सीन कुछ ऐसा हुआ यार कि बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, दिन भर बारिश ही हो रही थी, और अभी 3 बजे के करीब बारिश ना रुकी है, तो उसके बाद ही हम घर से बाहर निकल पाए हैं। नहीं तो यार ऐसे में घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था, ऊपर से ये सर्दियों के दिन हैं, इसमें अगर बारिश में भीग गए तो बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी, तो इसलिए हम निकले नहीं घर से बाहर। और सुबह वैसे मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो फिर डिलीट होगी, वो बारिश वगैरह की थी, और सामने का जो व्यू था बहुत मस्त आ रहा था सुबह के टाइम पे। वैसे सामने की जो पहाड़ियां हैं उन पे बर्फ़ वगैरह अभी गिरी नहीं है, लेकिन अगर आज रात को बारिश होती है तो बर्फ़ गिर जाएगी उन सामने की पहाड़ियों पर। हमारे गाँव की तरफ बर्फ़ गिरेगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि टेम्परेचर अभी इतना डाउन नहीं हुआ है। बाकी देखते हैं बर्फ़ गिरती है कि नहीं। अभी मैं जिस जगह पे पहुंच चुका हूँ ना, ये जगह है भगोड़ा, तो ये पंकज भाई मेरा वेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ काटी थी शादी के लिए, जो उस टाइम पे ले गए थे, वो वीडियो आपने देखी होगी। तो यहाँ वो लकड़ियाँ थी, और इसके बगल में ही है कर्ण गाँव, तो अभी उसी तरफ जा रहे हैं हम। बाकी पंकज भाई के पास ये देखिए थैले पर कार्ड हैं, तो अभी कार्ड देने जाएंगे। धूप की किरणें भी निकल ही रही हैं। वहाँ पे इस वाले गदेरे में ना काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है, और फिलहाल ये ऊपर की तरफ ये जो है ये है घट। तो पहाड़ों में ऐसे पुराने घट हुआ करते थे, है ये वैसे चालू होता है बरसात में ना ये घट, तो ये पानी से चलता है, तो इसमें ही पहले आटा वगैरह पीसा करते थे लोग। यहाँ पे ऐसी जगहों पे होते थे जहाँ पे मतलब गदेरा वगैरह हो, तो पानी का जो फोर्स है उससे ये घूमता था ये। तो कभी अगर कोई घट चालू होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर कि कैसे मतलब घट था होता था, और कैसे उस घट में ये सब आटा वगैरह पीसा जाता है, तो दिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी बरसात के टाइम पे चालू होते हैं, अभी इस टाइम पे वैसे काफ़ी घट बंद रहते हैं। जहाँ अच्छा खासा पानी होता है ना गदेरे में हमेशा रहता है जहाँ, वहाँ तो चालू रहता है। तो कभी दिखाएँगे, वैसे काफ़ी सारे घट ऐसे बंद हो गए हैं, अब लोग ना मतलब यूज़ नहीं करते हैं घट को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा होती है, ज़्यादा मेहनत लगती है। बाकी अब चक्की वगैरह हो गई है जो
बिजली द्वारा चलती हैं और पेट्रोल द्वारा चलती हैं, तो अब उनमें ही ज़्यादातर लोग आटा वगैरह पिसाने के लिए ले जाते हैं। सामने का कुछ ऐसा है भाई नज़ारा, जो मैं बताता हूँ ना कि तैला दिखाई देता है, ये है तैला और ये नीचे कुछ घर हैं और उसके उस तरफ चौनाड़ी पड़ता है जो मैं बात कर रहा था, तो केपार्स में आता है ये वाला जो एरिया है। बाकी ऊपर ये केपार्स गाँव है और यहाँ से हल्का सा हमारा गाँव भी दिखाई देता है ये सामने की तरफ। यहाँ से शुरू हो जाता है जी आपका कर्ण गाँव, जो ये गाँव है ना, ये है कर्ण गाँव, तो यहाँ से घर शुरू हो जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे। ये जी कर्ण गांव, तो पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ मकान है पीछे की तरफ, और अभी आगे की तरफ जाएंगे वहाँ भी काफ़ी सारे घर हैं मतलब, और उस तरफ अभी शादी का कार्यक्रम भी है, उस तरफ जाना होगा, आपको दिखाएंगे। कुछ टेंट वगैरह लगा हुआ है, तो शादी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ शादी वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है, तो शादी होगी। आजकल काफ़ी ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं भाई गाँव की तरफ। यहाँ पे ना सड़क है और सड़क से थोड़ा सा नीचे जाने का रास्ता है, ये छोटा सा रास्ता। ऊपर की तरफ अभी कीर्तन वगैरह चल रहा है, यहाँ शादी का कुछ कार्यक्रम है, और यहाँ पे ये शायद नीला घर जो है कह रहे हैं कि उनका है, जिनकी मैं बात कर रहा था, और कुछ घर ये हैं बगल में, और बाकी यहाँ पे नीचे भी कुछ घर है यहाँ पे। और सामने की तरफ अगर ध्यान से दिखाऊं तो ये कुछ बर्फ़ गिरी हुई है, अभी वहाँ ना कोहरा लगा हुआ है इसकी वजह से अच्छा सीन नहीं दिख पा रहा है। बाकी केपार्स गांव दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो केपार्स गांव यार काफ़ी बड़ा गांव है, और जब वहाँ जाते हैं ना तभी पता चलता है कि बहुत बड़ा गांव है। यहाँ से तो आधा गाँव ही दिखाई देता है, और हमारे गाँव से तो बिल्कुल भी मतलब कुछ घर दिखाई देते हैं बस। बाकी ये जो घर है ना, ये हमारे बड़े भाई हैं हमारे, तो बिरजपाल नेगी उनका नाम है, तो उनका घर है, तो कह रहे थे कि हमारे घर की वीडियो भी बनाना। तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई रहता नहीं है वैसे तो, मुझे नहीं पता ये घर उन्हीं का है कि नहीं, लोगों ने बताया कि ये जो नीला वाला मकान है ये उनका मकान है, तो वो कह रहे थे कि हमारे घर की वीडियो भी बनाना, तो ये है उनका घर। फिलहाल कुछ करना यहाँ पे है ऊपर की तरफ, और अभी देखते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे सड़क से होते हुए, तो ऊपर की तरफ कुछ मकान आपको दिख जाएंगे। बाकी यहाँ तो एक शादी की तैयारी चल रही है इस तरफ, और अभी हम बिन बुलाए घुसे हुए हैं भाई शादी में। पंकज भाई ना अंदर की तरफ जा रखे हैं, मैं तो अभी बाहर ही हूँ, यहाँ कार्ड देने आए थे कर्ण गाँव में, तो पंकज भाई के कोई पहचान वाले होंगे वो अंदर जा रखे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ उनका यार बाहर पे, अंदर क्या जाना है। अगर मौसम की बात करें तो ऊपर से मौसम हल्का हल्का साफ होने वाला है, मतलब होने लग गया है साफ यार, अभी बादल लगे हुए थे। और सामने का यहाँ मैं दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, यहाँ काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ गिरी हुई है, और यहाँ का नज़ारा आता है भाई, ऊपर थलादार है ना जहाँ, तो वहाँ से अच्छा दिखाई देता है यहाँ का नज़ारा, क्योंकि वहाँ काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है। बाकी इस साइड भी थोड़ी सी बर्फ़ गिरी हुई है ये वाली पहाड़ी में, लेकिन यार ज़्यादा बारिश हुई नहीं उसके बाद, फिर इस साइड नहीं तो ये जो पास वाली पहाड़ी है ना, ये आठ गांव के ऊपर वाली, तो यहाँ भी बर्फ़ गिर जाती। बाकी यहाँ पे जो कर्ण गांव वालों के जो खेत है ना, यहाँ पे हैं बगल में ही है, और ये खेत ना बंजर छोड़े हुए हैं, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ बो रखा है, तो पता नहीं क्यों छोड़े हुए हैं, हो सकता है लोग बाहर रहते हों। बाकी नीचे की तरफ जो खेत हैं, यहाँ गेहूँ बोए हुए हैं अभी, उस साइड अगर देखें वहाँ ज़्यादा हरे भरे गेहूँ हैं, यहाँ की साइड ऊपर की साइड यार कम ही है, और अभी बारिश हुई है तो अभी अच्छे खासे हो जाएंगे गेहूँ। सामने ये घर देखिए आप ज़रा, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, थोड़ा सा पुराना जो लुक होता है ना पहाड़ी घरों का, तो रखा हुआ है अभी कर्ण गाँव में ना, एक यही घर है जो मुझे मतलब इतना अच्छा दिखा है, जो जिस पे अभी पुराना डिज़ाइन हो, तो काफ़ी प्यारा डिज़ाइन होता था यार, पहले के जो मकान होते थे ना उनमें काफ़ी मस्त डिज़ाइन होता था, तो ऐसे पहाड़ी घर हुआ करते हैं भाई। पीछे की तरफ जो घर दिख रहा है ना, तो ऐसे पहाड़ी घर,
यहाँ पहाड़ों की शान होती है, लेकिन अभी तो लोग यार सीमेंट वगैरह के मकान बनाने लग गए। अभी ऐसे घर ना कमी देखने को मिलते हैं गांव की तरफ और पहाड़ों की तरफ। और यहाँ पे ना एक और गांव दिखाई दे रहा है, ये वाला जो गांव है ना यहाँ पे, तो ये है गजौड़ गाँव कहते हैं यहाँ को। तो ये भी ऐसे वैसे है ना के पास में आता है, हैड़ी गजौड़ गाँव ऐसे, तो गजौड़ गाँव यहाँ को कहते हैं वैसे, हैड़ी में आता है, उससे आगे ना हैड़ी पड़ता है जहाँ पर ये कुछ मकान है ये वाले, तो ये जो जगह है ना इसको कहते हैं हैड़ी। और इसके बगल में ये जो गांव है ये है गजौड़ गांव, तो ये पूरा केपार्स में ही आता है हैड़ी गजौड़ गांव। तो यहाँ पे ना एक झरना टाइप का बह रहा है, यहाँ कर्ण गांव वालों का ना धारा है, तो वैसे यहाँ पे ना ऐसे टंकी टाइप की बना रखी है पर ये धारा ही है, इस पर ऊपर से पानी आता है कहीं पत्थरों के बीच से, तो यहाँ पर पाइप लगा रखा है। बाकी हर एक गांव में एक धारा तो होता ही है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, ज़्यादातर गांव में ऐसे धारे होते हैं। यहाँ पे कर्ण गांव का धारा और बाकी यहाँ पे एक मंदिर है, तो ये नागराजा देवता का मंदिर है यहाँ पे। अभी ना यार यहाँ कर्ण गांव में ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब दिन में ना इतनी ठंड लग नहीं रही थी, जिस समय बारिश हो रही थी उस समय इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अभी शाम को ना हाथ मतलब ऐसे कहाँ पर है ना वीडियो बनाते हुए, तो बहुत गंदी वाली ठंड हो रही है। और ना यहाँ पता नहीं ऊपर वाली जो पहाड़ी है ना यहाँ हल्की हल्की धूप की किरणें दिखाई दे रही हैं, बल्कि भाई धूप तो कहीं है नहीं पर पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो असल में क्या है ये पहाड़ियाँ ना बहुत ऊंचाई पे हैं इसलिए वहाँ धूप अभी है। तो ये था जी कर्ण गाँव, तो अभी मैं कर्ण गाँव से वापस आ चुका हूँ। बाघ होता है ना, बाघ ही कहते हैं हमारे यहाँ, तो जो लेपर्ड होता है वो ज़्यादातर ना ऐसी जगहों पर रहता है, ये गधेरे वाला जो एरिया है घनी झाड़ियाँ हैं भाई यहाँ पर, कुछ पता भी नहीं चलता है। और यहाँ ऊपर वाला जो गधेरा है ना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, गुलदार के जो घुर्राने की आवाज़ आती रहती है हमारे गांव तक। तो ऊपर की साइड ये भगोड़ा वाला जो पूरा एरिया है यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है लेपर्ड। बाकी तो अभी ब्लॉगिंग ऐसे हो रही है भाई साहब, थोड़ी देर में हाथों को जेब में रख रहा हूँ उसके बाद फिर फ़ोन को पकड़ रहा हूँ, भाई हाथ एकदम ठंडे हो रहे हैं आज। कर्ण गाँव की तरफ ना ज़्यादा ठंडा होता है, तो सर्दियों में कर्ण गाँव में ना धूप कम आती है, इतनी ज़्यादा धूप आती नहीं है कर्ण गाँव में। और यहाँ से दिखाई दे रहा है हमारा गाँव, तो ये है हमारा गांव, तो अभी यहाँ जाना है भाई। मैं खैर सड़क से ही जा रहा हूँ, नीचे सड़क से होते हुए ना तो चित्रपाल देवता के मंदिर से होते हुए जाएंगे, यहाँ सामने से रास्ता है। और अभी ये जो गधेरे की मैं बात करता रहता हूँ घट्टू का गधेरा, तो ये है घट्टू का गधेरा, यहाँ पे आता है भाई सड़क में, तो यहाँ से नीचे पहुँच जाता है सीधे नदी में जो बालगंगा नदी है। बाकी भाई ये है वो रास्ता, और बारिश की वजह से हाल देखिए, आज की बारिश ने यहाँ बिल्कुल खाई बना दिया भाई सड़क के किनारे। और इस रास्ते से जाएंगे घर की तरफ, वैसे एक कच्चा ही रास्ता बनाया हुआ है तो रास्ता सही है भाई, ऊपर जाने के लिए काफ़ी आसान हो गया अभी, यहाँ से भी रास्ता बन गया है, पहले नहीं था, मतलब ऐसा पतला सा रास्ता था, ऐसे ही लोग जाते थे घास वगैरह काटने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा ना काफ़ी चौड़ा रास्ता हो गया है। अभी सोर आ चुके हैं गाँव के जस्ट नीचे, और ये है कर्ण गाँव। अभी यहाँ से देखिए कितने घर हैं कर्ण गाँव में, ऊपर कुछ घर हैं, ऊपर की साइड यह है मलकोट गांव, कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं। टूट फूट की मैं बात कर रहा था ना, तो टूट फूट तो हुई है भाई यहाँ पे, देखिए बिल्कुल खाई पड़ गई है, इतनी तेज बारिश हुई है ना कल और आज सुबह, मतलब दिन तक वो बारिश चलती रही भाई, काफ़ी तेज बारिश हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे खाई टाइप की पड़ गई है, और यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बनाया था ये भी टूट गया इस बारिश की वजह से। रास्ता तो ये सही है पर ना यहाँ चढ़ाई बहुत है यार, ऊपर जाते जाते पूरी सांस फूल गई, और अभी थोड़ा सा और बचा हुआ भाई रास्ता, तो पहाड़ों के रास्ते भाई ऐसे होते हैं, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है या तो फिर उतरनी पड़ती है, तो फिर पहाड़ किस बात के अगर चढ़ाई नहीं होती, तो कुछ ऐसा ही सीन है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चढ़ाई है यार, और अभी ये चढ़ाई चढ़ के एक सीन बढ़िया हो गया, जो अभी थोड़ी देर पहले ठंड से कहाँ पर आता ना मैं, वो ठंड भाग गई, पूरा शरीर गर्म हो गया, ऐसी चढ़ाई है यहाँ पर, ऐसी चढ़ाई चढ़ के गर्मी तो आ ही जाती है भाई शरीर में। सामने की तरफ देखिए बादलों को देखिए कैसे चमक रहे हैं, तो अभी वहाँ धूप उड़ी है भाई, तो धूप की किरणें उन बादलों पे पड़ रही होगी, इसकी वजह से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो अभी आ गए हम यहाँ पे छत्रपाल देवता के मंदिर के पास, तो अभी यहाँ से ऊपर गांव की तरफ चला जाऊँगा मैं।
तो ये था जी आज का सीन। तो आज हम कणगांव की तरफ गए थे, अभी तो फ़िलहाल अंधेरा होने ही वाला है। तो इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं मिलूँगा आपको कल अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।